हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्वालिटी कोचिंग। क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का अकाउंटेंसी का पार्ट थर्ड वीडियो है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म का। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का आज पार्ट थर्ड वीडियो है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड वीडियो में हमने क्या डिस्कस कर लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में कैपिटल, ड्रॉइंग एंड लाइबिलिटीज टर्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कैपिटल, ड्रॉइंग और लाइबिलिटीज टर्म समझ में ना आया हो तो आप पार्ट फर्स्ट वीडियो देखिए अच्छे से। तो भी अगर समझ में ना आया हो तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, 8676080858। इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, रात के 10 बजे तक। सुबह के 7 बजे से रात के 10 बजे तक आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कभी भी कॉल करके अकाउंटेंसी से रिगार्डिंग डाउट अपना पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके स्टूडेंट, तो पार्ट फर्स्ट वीडियो हमने कैपिटल, ड्रॉइंग और लाइबिलिटीज डिस्कस कर लिया। पार्ट सेकेंड वीडियो हमने एसेट्स एंड इट्स टाइप, एसेट्स क्या होते हैं और एसेट्स कितने तरह के होते हैं, ये पार्ट सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आज हम लोग का पार्ट थर्ड वीडियो है। तो देखिए, पार्ट थर्ड वीडियो में हम कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 5 टर्म हम पार्ट थर्ड वीडियो में आज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट देखिए, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये दो टर्म समझिए कि रिसिप्ट क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिसिप्ट क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, जब भी आप रिसिप्ट टर्म सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि रिसिप्ट मीन्स मनी का बिजनेस में आना और एक्सपेंडिचर मीन्स मनी का बिजनेस से जाना। तो रिसिप्ट मीन्स पैसे का आना और एक्सपेंडिचर मीन्स पैसे का जाना, मीन्स पेमेंट। तो अब सुनिए, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। द रिसिप्ट्स विच आइदर इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म और रिड्यूसेस द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म। द रिसिप्ट्स ऐसे मनी जिसके आने से विच आइदर इंक्रीजेस द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, मीन्स ऐसे रिसिप्ट जिसके आने से या तो फर्म का लाइबिलिटीज इंक्रीज कर गया हो और रिड्यूसेस द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म, या तो फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज कर गया हो। मीन्स द रिसिप्ट विच आइदर इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म और रिड्यूस द फिक्स्ड एसेट्स, मीन्स आप सोचना कोई भी ट्रांजेक्शन से, आप ये देखना कि अगर इस ट्रांजेक्शन से बिजनेस का या तो लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है या बिजनेस का फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स ये कैपिटल रिसिप्ट है। इट इज, अभी मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा, इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, मीन्स रिपीटिटिव नेचर का नहीं होता है, बार बार कैपिटल रिसिप्ट इनकर्ड नहीं होता है। इट इज सोन इन बैलेंस शीट। कैपिटल रिसिप्ट हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट में या तो बैलेंस शीट में एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा या तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि द रिसिप्ट विच आइदर इंक्रीजेस लाइबिलिटीज और रिड्यूस द फिक्स्ड एसेट्स, या तो बैलेंस शीट में एसेट्स डिक्रीज करेगा या बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा कैपिटल रिसिप्ट से। अब मैं कैपिटल रिसिप्ट का आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल करके करते हैं और इससे जो पैसा आएगा ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट है। मन में क्वेश्चन आएगा, कैसे सर? क्योंकि देखो, फिक्स्ड एसेट्स को हम सेल किए तो इस मनी के आने से मेरा एसेट्स क्या हो गया बिजनेस में? कम हो गया। तो हमने पहले ही बता दिया कि या तो लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा या एसेट्स डिक्रीज करेगा, फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज किया। अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ लोन, हमने लोन लिया तो लोन लेने से मेरा लाइबिलिटीज क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो ऐसे रिसिप्ट जिससे या तो लाइबिलिटीज बिजनेस का इंक्रीज करे या तो एसेट्स डिक्रीज करे, उसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके स्टूडेंट्स,
नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? जस्ट कैपिटल रिसिप्ट का रिवर्स होता है। द रिसिप्ट्स विच नाइदर इंक्रीजेस द लाइबिलिटीज नॉर रिड्यूसेस द फिक्स्ड एसेट्स। मीन्स ऐसे रिसिप्ट जिससे ना ही आइदर मीन्स या तो नाइदर मीन्स ना ही द रिसिप्ट विच नाइदर इंक्रीज द लाइबिलिटीज। ऐसे रिसिप्ट जिसके ऐसे मनी जिसके आने से ना ही मेरा लाइबिलिटीज इंक्रीज करे और ना ही फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज करे उसे हम कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। इट इज रेकरिंग इन नेचर। ये क्या होता है? बार बार होता है, रिपीटेटिव नेचर का होता है। इट इज सोन इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ये कहां शो करते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कि सर आपने प्रीवियस टर्म में यूज किया टर्म बैलेंस शीट, इसमें टर्म आपने यूज किया ट्रेडिंग एंड पीएल। तो स्टूडेंट साल के अंत में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। उस फाइनल अकाउंट में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी आप केवल टर्म याद कर लो और जब बनाएंगे हम आपको सिखाएंगे फाइनल अकाउंट तो उस समय बताएंगे कि देखो हमने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था देखो यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम गुड्स और सर्विसेज को सेल करके अमाउंट रिसीव करते हैं तो ये मेरे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है। कैसे? क्योंकि हम गुड्स बार बार बेचते हैं, सर्विसेज बार बार रेंडर करते हैं तो ये रेकरिंग नेचर का हो गया। दूसरी चीज, गुड्स बेच के जो पैसा आया इससे ना ही मेरा लाइबिलिटीज घटा इंक्रीज किया, ना ही लाइबिलिटीज इंक्रीज किया और ना ही कोई फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज किया, क्योंकि गुड्स सेल करना अपने आप में करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। कमीशन एंड फी रिसीव। हम फी रिसीव करते हैं, कमीशन रिसीव करते हैं तो ये बार बार करते हैं। फी रिसीव और कमीशन रिसीव करने से मेरा लाइबिलिटीज ना ही इंक्रीज करता है और ना ही फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज करता है। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट के एग्जाम्पल है। इसको लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट्स अब हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? हमने कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीज द फिक्स्ड एसेट्स और रिड्यूस द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। मीन्स ऐसे एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जिससे या तो फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज करे, या तो एसेट्स क्या करे? इंक्रीज करे, और या तो लाइबिलिटीज क्या हो? या तो लाइबिलिटीज डिक्रीज करे, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। इट इज सोन इन दी बैलेंस शीट। इसे कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं। देखो आपने रिसिप्ट में क्या पढ़ा था कि उसे भी बैलेंस शीट में शो करते हैं, वो भी नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, बट वहां पे था कि रिसिप्ट पैसे के आने से या तो लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहा था और या तो एसेट्स डिक्रीज कर रहा था, बट एक्सपेंडिचर में उल्टा होगा। पैसा खर्च करेंगे तो या तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेगा या तो लाइबिलिटीज घटेगा। एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंट इन परचेज ऑफ बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर। अगर हम बिल्डिंग परचेज करते हैं, प्लांट परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं तो इससे हमारा फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होता है तो भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का अमाउंट अगर हम वापस कर दें तो लोन का अमाउंट वापस करेंगे तो मेरा लाइबिलिटीज क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल हो गया। इसे स्टूडेंट नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब हमारा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर इंक्रीज द फिक्स्ड एसेट्स नॉर रिड्यूस द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। मीन्स ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे ना ही फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज करे, ना ही फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज करे और ना ही बिजनेस का लाइबिलिटीज क्या हो? डिक्रीज करे, उसे कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज रेकरिंग नेचर। रेकरिंग मीन्स रिपीटेटिव रिपीटेटिव इन नेचर, बार बार होता है। इट इज सोन इन दी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट।
एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सब क्या होता है ना बिजनेस में, ऐसे खर्चे बार बार होते हैं, और इस तरह के खर्चे करने से ना ही मेरा एसेट्स इंक्रीज करता है और ना ही लाइबिलिटीज डिक्रीज करता है। तो ये हमारा हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ स्टूडेंट, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को, ये बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या करता है, मेंटेन रखता है अर्निंग कैपेसिटी को, बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को। फिर से सुन लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखता है। जैसे देखो कि अगर अगर हम मशीन पे खर्च करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इनकम क्या होगा, बढ़ेगा, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। बट जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं दैट मेंटेन्स आवर अर्निंग कैपेसिटी, दैट डज नॉट इंक्रीज, दैट ओनली मेंटेन्स आवर अर्निंग कैपेसिटी। कोई कन्फ्यूजन नहीं? ओके, तो स्टूडेंट्स इसे प्लीज आप नोट कर लीजिए, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ अब नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा है एक नया टर्म, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो देखिए कहता देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, मीन्स डे टू डे लाइफ में, डे टू डे बिजनेस में बार बार होता है। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव ओवर नंबर्स ऑफ ईयर, सच एक्सपेंडिचर इज टर्म एज डिफॉल्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं बट उनका बेनिफिट कई साल तक मिलता है, उसे कहते हैं डिफॉल्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो आपको मैं एक बात बता दूं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जनरली उसी साल मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कई साल तक मिलता है, लेकिन यहां पे टर्म हम बता रहे हैं कि देर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर, रिवेन्यू नेचर के होते हैं, बट बेनिफिट ऑफ विच, उसका बेनिफिट लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर नंबर्स ऑफ ईयर, उसका बेनिफिट कई साल तक मिलता है, सच एक्सपेंडिचर आर टर्म्ड एज डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरह के खर्चे को हम कहते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, और इसमें एक बात और कहता है द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर लास्ट बिटवीन 3 to 7 years, जनरली उसका बेनिफिट कितने साल तक मिलता है, 3 to 7 years तक। अब कहता है द होल अमाउंट इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द सेम ईयर। देखो बच्चे, हम आपको बताए थे कि जनरली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम उसी साल पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, बट यहाँ पे बोल रहा है द होल अमाउंट इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द सेम ईयर, उसी साल पूरा रिकॉर्ड पीएल अकाउंट में नहीं करते हैं। Only a part is debited to PL account, केवल एक part PL account में debit करते हैं every year, प्रत्येक साल, and unwritten off, जिसको भी write off नहीं किए हैं, unwritten off portion is allowed to stand in the asset side of balance sheet, is known as deferred revenue expenditure। जैसे मैं, अगर आप example पूछना चाहोगे तो एक example आपको देते हैं, advertisement suspense, example इसका क्या हो जाएगा, example हो जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, जनरली होता क्या है ना कि जनरली अगर मान लो कि हम एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च किए, एडवर्टीजमेंट पे हैवी अमाउंट खर्च किए, तो जनरली नॉर्मली एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि क्योंकि इस साल अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो इसका बेनिफिट हमें इसी साल मिलेगा, अगले साल कोचिंग के प्रमोशन के लिए फिर से हमें एडवर्टीजमेंट करना होगा। लेकिन मानो कि अगर हम एडवर्टीजमेंट पे हैवी अमाउंट खर्च कर दिए, हर जगह हम फिक्चर्स लगा दिए, फिक्चर्स इन द सेंस कि लोहे के फ्रेम में मान लो हम अपने कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करवा दिए, जिसका बेनिफिट हमें 5 to 10 years तक मिलेगा, तो हम ये सोचते हैं कि अगर पूरा अमाउंट इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दें तो हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम आएगा, तो कोई भी इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो हम सोचते हैं,
तो क्यों ना अगर उसका बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा तो 10 साल तक उस एक्सपेंसेस को धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखें और रिमेनिंग बैलेंस को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करें। जैसे मान लो कि अगर हम एडवर्टीजमेंट पे इस साल 20 लाख रुपया खर्च किए और अगर इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट हमें 10 ईयर्स तक मिलेगा, 10 साल तक मिलेगा, तो हम सोचते हैं क्यों ना हर साल 2 लाख रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे और रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करें। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में 2 लाख पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे और रिमेनिंग 18 लाख रुपया जो है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ स्टूडेंट, तो देखो मैं आपको ये पांचों टर्म समझा दिया हूँ अच्छे से और हमें उम्मीद लगता है कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब इसी क्रम में हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन मैं डेली आपको वीडियो में के अंत में लास्ट में पूछता हूँ ताकि मुझे ये पता चल पाता है कि आपने मेरा वीडियो वॉच किया है और वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने चार ऑप्शन दिया है, इनमें हम पूछे कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ मशीन, दूसरा है रेंट पेड, तीसरा है रीपेमेंट ऑफ लोन और फोर्थ ऑप्शन है परचेज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिए कि इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। गिव आंसर इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई करिए। हाँ स्टूडेंट, तो और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डेली वीडियो। अगर आप डेली वीडियो चाहते हैं, वीडियो अपलोड करते ही अगर आप चाहते हैं कि पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिले वीडियो अपलोड होते ही, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली वीडियो से रिगार्डिंग लेटेस्ट और पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और हाँ दोस्तों, कि अगर वीडियो में किसी भी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि सर हमें इस पॉइंट में कन्फ्यूजन है, अगले वीडियो के माध्यम से बता दीजिए तो वो हम बता देंगे। और हाँ, अगर आप इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 8676080858 और इस पर कॉल करके सुबह के 7 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आप और किसी टॉपिक से रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट, फाइनेंस, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए, तो निश्चित ही हम वीडियो बना के और अपलोड करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही इन्फॉर्मेशन पहले आपको मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस।